जी, अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन भी कोरिलेशन से मिलता जुलता है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है कि रिग्रेशन कोरिलेशन के अंदर हम स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बताते थे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो कोरिलेशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वीक है, स्ट्रांग है, मॉडरेट है, ये क्या चीज़ है। सिर्फ हमें ये चीज़ का पता चलता था कोरिलेशन के यूज़ करते हुए। अब हमारे पास रिग्रेशन है। रिग्रेशन में पहला है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें हमारे पास एक ऐसा मॉडल आता है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, रिग्रेशन का प्लस पॉइंट ये है कि हम जो मॉडल बिल्ड करेंगे हम उसको यूज करते हुए प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने कोरिलेशन यूज किया उस वक्त हमने अपने वेरिएबल्स को अलग अलग नहीं था किया, हमने जस्ट उनको कॉमनली यूज किया था। लेकिन यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल्स को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। एक को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और दूसरे को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, जबकि कोरिलेशन में हमने जस्ट उनका वेरिएबल कंसीडर किया था। लेकिन यहाँ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा से सपोज करेंगे, या हमें पता होगा कि यह डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ज़्यादा से करेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारी स्टडी के अंदर कुछ ऐसा वेरिएबल होगा कि जिसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर होगा। मिसाल के तौर पे रियल लाइफ एग्जांपल में इनकम और एक्सपेंडिचर है। जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जितनी इनकम हमारी ज़्यादा होगी हमारे एक्सपेंडिचर्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। यह इसके एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि जितना हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे हमारी यील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। तो इनकम और एक्सपेंडिचर वाली एग्जाम्पल में जो हमारी इनकम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही इस सिचुएशन में। और हमारे पास जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं
इनकम के ऊपर जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। हमारे पास जो मॉडल है जो हमने फाइंड आउट जिसकी वैल्यूज करनी है, जिसके पैरामीटर्स हमने फाइंड करने हैं, वो है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। हमारे पास जो वेरिएबल डिपेंडेंट होगा उसको हम वाई बोलेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल डिपेंडेंट होगा उसको हम वाई बोलेंगे, और जौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा उसको हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। और फिर हम एक्स और वाई की वैल्यूज को यूज करते हुए बी और ए फाइंड करेंगे। ए को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, ये हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू देता है, और बी हमारे पास स्लोप, ए हमारे पास इंटरसेप्ट ऑफ वाई और बी हमारे पास स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन हमें बताएगा, ठीक है। बी का फॉर्मूला कोरिलेशन से मिलता जुलता है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका स्क्वायर, और फिर उन सब का सम माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। अब हमने बी का आंसर ए के फार्मूला में पुट कर देना है, जिसमें है ए इज इक्वल टू वाई बार अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई माइनस बी स्लोप, जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज को हम इस मॉडल में पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड मॉडल आ जाएगा। अभी इसकी एग्जांपल करते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इस एग्जांपल में हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, एक्स की वैल्यूज हैं वाई की वैल्यूज हैं। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है इसमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट है और एक्स स्क्वायर है, कोरिलेशन की तरह यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं है, बाकी दो हमने कॉलम्स जनरेट करने हैं, इसलिए हमने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया ये कॉलम आ गया, एक्स का स्क्वायर लिया तो ये कॉलम जनरेट हो गया, ठीक है। फिर इन चारों कॉलम्स का हमने सम फाइंड आउट कर लेना है, 5 + 6 + 8 + 10 + 12 + 17, तो हमारे पास आंसर आएगा 102। समेशन वाई का आंसर हमारे पास आएगा 302, समेशन एक्स वाई 3853, समेशन एक्स स्क्वायर 1308।
इसमें रिग्रेशन में हमने एक और काम भी करना है, हमने इनका प्लॉट बनाना है एक्स वेरिएबल का और वाई वेरिएबल का, हमने एक प्लॉट ड्रा करना है जिससे हमें पता चलेगा, हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के दरमियान रिलेशन कैसा है। अगर आप एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के जो पेयर्स हैं इनको आप स्कैटर प्लॉट या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से प्लॉट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से प्लॉट आ जाएगा। एक्स 5 है तो वाई 16 है, एक्स 5 वाई 16, हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इसके बाद एक्स 6 है तो वाई 19, ये एक्स 6 है तो वाई 19। इस तरह से हमने बाकी जो प्लॉट है वो कंप्लीट कर लेना है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक्स और वाई के अंदर अपवर्ड ट्रेंड है, विद द एक्स इंक्रीजेस वाई इंक्रीजेस। जब हमारे पास एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ये हमें स्कैटर प्लॉट की मदद से वाजे हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने रिग्रेशन मॉडल फिट जो है वो फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पेयर्स हैं एक्स और वाई के, तो हमारे पास एन इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। समेशन एक्स वाई हमारे पास 3853 है, समेशन एक्स हमारे पास 102 है, समेशन वाई हमारे पास 302 है। इसी तरह से समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 1308 है, समेशन एक्स का होल स्क्वायर 102 का स्क्वायर है। ठीक है, इन वैल्यूज को हमने अब सिंप्लीफाई करना है। जब हम ये ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3873। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, तो हमारे पास 3873 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने नीचे वाली वैल्यूज को सिंपलीफाई करना है तो हमारे पास आंसर आता है 1368। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.831। तो हमारे पास स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन का आंसर आया, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन का आंसर है 2.831। ठीक है, इसके बाद हमने इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, तो वो होगा वाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार का हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एक्स, वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। समेशन y हमारे पास 302 है और n हमारे पास 9 है, माइनस
बी हमारे पास 2.831 है वो आ जाएगा, एक्स बार हमारे पास 102 डिवाइडेड बाय 9 है। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 33.56 माइनस 2.831 मल्टीप्लाइड बाय 11.33। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इंटरसेप्ट का आंसर आएगा 1.48। तो हमने ए इंटरसेप्ट और बी स्लोप की वैल्यू रिग्रेशन मॉडल में फिट कर देनी है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड मॉडल आ जाएगा वाई हैट इज इक्वल टू 1.48 प्लस 2.831x। ठीक है सर। जी जी सर, ये इंटरसेक्शन का बार बताइएगा, 302/9 कैसे आया? हमारे पास y बार का आंसर, y बार का जो फार्मूला होता है वो है समेशन y डिवाइडेड बाय n। तो समेशन y हमारे पास 302 है जो कि हमने ऊपर भी यूज किया है, डिवाइडेड बाय n हमारे पास 9 है तो 302 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। माइनस बी हमारे पास 2.831 है मल्टीप्लाइड बाय समेशन x ओवर n। समेशन x ओवर n, समेशन x हमारे पास 102 है ओवर n हमारे पास 9 है। ठीक है, जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओरिजिनल हमारे पास समेशन y का जो आंसर, सॉरी y बार का जो आंसर है, y बार का हमारे पास आंसर है 33.56 और समेशन x का जो हमारे पास आंसर है वो 11.33 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1.48 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? अब है हमने ये जो वैल्यूज हमारे पास आई 1.48, ये क्या चीज डिनोट करती हैं, इससे क्या मतलब है? जिस तरह हमने रिग्रेशन कोरिलेशन में वैल्यूज को जो चेक किया था, हमारे पास कोरिलेशन का आंसर आया तो हमने उसकी इंटरप्रिटेशन भी की थी, इसी तरह से हमने अब हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं स्लोप की, इसकी इंटरप्रिटेशन भी करनी है, और हमारे पास जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आती है इसकी भी इंटरप्रिटेशन हमने करनी है। ठीक है, तो बी जो कि स्लोप है, इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से होगी कि अगर हम एक्स जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें एक यूनिट इंक्रीज करें, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट इंक्रीज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा वो स्लोप के इक्वल होगा। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट इंक्रीज करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा वो स्लोप की वैल्यू के इक्वल होगा। जैसा कि अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 0 की जगह पर, या अगर पहले 0 था अब 1 पुट किया तो y में जो चेंज आया वो 2.831 यूनिट आया। अगर हम यहाँ पर 2 पुट कर दें तो 1 की निस्बत जो 2 में चेंज आएगा वो 2.831 यूनिट मजीद आएगा। अगर यहाँ पर सर वापस बता दे, समझ में नहीं आ रहा।
सर वापस बता दे। जी जी अगर हम एक्स में एक यूनिट इंक्रीज करें, अगर हम एक्स में एक यूनिट इंक्रीज करें तो वाई के अंदर जो चेंज आएगा वो 2.831 यूनिट्स होगा, जो कि स्लोप की वैल्यू है। ठीक है, जी जी सर ठीक है। इसकी जनरल इंटरप्रिटेशन ये है, और अगर आप इसको मजीद डीपली चेक करना चाहते हो कि ये इसका इससे क्या मतलब है, तो यहाँ पर पहले आप वन पुट करो, फिर यहाँ पर टू पुट करो, और इन दोनों को सिंपलीफाई करो, तो आपके पास जो आंसर आएगा उनका जो डिफरेंस होगा वो 2.831 होगा। अगर एक्स की जगह पर आप वन पुट करो और इसको सिंपलीफाई कर दो, फिर एक्स की जगह पर टू पुट करो और फिर इसको सिंपलीफाई करो, और जो आपके पास दो आंसर आए हैं, एक्स जब आपने वन पुट किया और जब एक्स इज इक्वल टू पुट किया, तो उन दोनों का जो आंसर होगा उनका डिफरेंस आपके पास 2.831 होगा। सर अगर हम टू पुट करें तो ये 2.831 का डबल आ जाएगा। जी भाई डिफरेंस, जी ये डबल जब होगा तो आपने इसमें सिंगल जो ऑलरेडी आपने पहले यूज किया है, आपने एक यूनिट यहाँ पर पुट करना है, जी आपने एक यूनिट इंक्रीज करना है, एक्स में एक यूनिट इंक्रीज करने से वाई में जो चेंज आता है, जो प्रीवियस लेव वैल्यू से चेंज आएगा वो 2.831 यूनिट होगा। जी सर ठीक है, जी जी सर ठीक है। जहां तक क्वेश्चन किसी ने किया था कि ए को स्लोप और ए को इंटरसेप्ट और बी को, सर थैंक यू। जी ठीक है, ए को इंटरसेप्ट और बी को स्लोप क्यों कहते हैं, ये इसका अगर आप यहाँ पर चेक करो तो ये आपके पास है, इसके ऊपर अगर आप रिग्रेशन मॉडल फिट करो आपके एक्स की तमाम वैल्यूज यूज करते हुए, एक्स की वैल्यूज यूज करते हुए जब आप प्रेडिक्ट करोगे इस फार्मूले में, तो आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि उनमें एक कांस्टेंट चेंज आ रहा है, जो कांस्टेंट चेंज आएगा उसको जब आप मेजर करोगे तो वो स्लोप के इक्वल होगा। ये स्लोप है ना, अपवर्ड है, स्लोप है। ठीक है, और ये एक्स को कहीं पर जाकर कट भी करे, वाई एक्सिस को कहीं पर जाकर कट भी करेगी। अगर ये वैल्यू हम मजीद ये जो वैल्यूज हैं इनको स्मॉल भी करते जाएं तो ये कहीं पर जाकर वाई को कट भी करेंगी, तो वो हमारे पास इंटरसेप्ट आएगा, वो कट पॉइंट आएगा जहां पर हम वाई को कट कर रहे हैं। तो वो हमने फाइंड किया कि 1.48 पे जाकर ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। अगर ये ट्रेंड ऐसा ही रहा तो ये लाइन वाई पे जाकर जब ये वाई के ऊपर आएगी तो 1.48 पे जाकर ये लाइन कट करेगी। जहां पर दो लाइन एक दूसरे कट करती हैं वो इंटरसेप्ट होता है, और ये इसका स्लोप है, डलवान जिसे उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी स्लोप है, इसलिए से ए को इंटरसेप्ट और बी को स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब जो इसका मेन पर्पज है रिग्रेशन का, वो हम यूज करते हैं कि हम एक्स की वैल्यूज को यूज करते हुए वाई की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। लेट्स सपोज अब हमने
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन वी हैव एक्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इज 11। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 11 हमारे पास नहीं था। हम चेक करना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 11 पे y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 11, 11 यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 32.621। ठीक है, जब हम 11 पुट किया तो ये तकरीबन यहाँ पर आंसर आता है 32. ये जहाँ पर इसका हैंड साइन यूज शो हो रहा है यहाँ पर तकरीबन ये पॉइंट आता है। तो आप देखोगे कि ये तकरीबन रिग्रेशन लाइन के जो ट्रेंड है उसको ठीक से प्रेजेंट कर रहा है। 32 something जो आंसर आया हमारा 32.621 ये तकरीबन वैसा ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ वाई डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी 32.621 ऑन द एवरेज व्हेन वी हैव एक्स इज इक्वल टू 11। ये हमने ऑन द एवरेज वर्ड यूज करना है क्योंकि 11 पे आंसर है फ्लक्चुएट भी कर सकता है। 32.62 something है ये उससे ज्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन द एवरेज हमारे पास यही आंसर आएगा 32 something। ठीक है, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें एक चीज और नोट कर लो कि हम x की वैल्यू को सिर्फ x की वो वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सॉरी y की सिर्फ वो वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिनके लिए x की वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी 5 से ग्रेटर और 17 से लेस होगी। सिर्फ हम उस वैल्यू उन वैल्यूज को इस मॉडल की मदद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है ये अभी मैं दोबारा लॉग इन होता हूँ, ये लेस देन 1 मिनट रह गया। अगर किसी का मजीद क्वेश्चन हुआ या इसके मुतालिक मजीद जानना हुआ तो आप उसमें पूछ सकोगे। ठीक है।